students and a very good morning to all of you. Yesterday I have completed our chapter number 14, Meri Ma. And today I am going to discuss its exercise. So let's start. Swadhyay. चैप्टर क्वेश्चन नंबर वन. निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश क्या था. तो सबसे बड़ा आदेश क्या था बिस्मिल की माता जी का. तो बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश ये था कि किसी की भी प्राण हानि न हो. यानी कि अपने बिस्मिल से अपने शत्रु को भी प्राण दंड न दिया जाए, ऐसा उनका आदेश था. सेकंड क्वेश्चन है बिस्मिल को की एकमात्र इच्छा क्या थी. आंसर विल बी बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक उनकी माता के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेते. सेकंड क्वेश्चन है बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए. तो आंसर आएगा कि बिस्मिल ने हमेशा ही अपने जीवन में सत्य का आचरण करते थे और कुछ भी हो जाए वो सत्य बात कह देते थे. और इसी वजह से उन्होंने कभी भी मतलब उस वकीलनामे के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए. अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि बिस्मिल की माँ के आचरण में पहले से क्या कैसे पहले से इतना जो उनके विचार में इतनी उदारता पहले से कैसे आ गई थी. तो आंसर है कि बिस्मिल के जन्म होने से 5-7 वर्ष उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया और उनकी जो सखी थी उन्होंने से जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्सर बोध करती थी और परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी. और जब बिस्मिल आर्य समाज में प्रवेश किया तब माताजी उनसे खूब वार्तालाप किया करती थी और ऐसे ही मेहनत से उनके पहले की अपेक्षा उनके विचार भी कुछ उदारता हो गई थी. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी. और सेकंड क्वेश्चन है अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं. तो दोनों क्वेश्चन के आंसर में साथ में बताऊंगी. तो आंसर है पहले का आंसर है कि बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि बिस्मिल को मालूम था कि दो दिन बाद उन्हें फांसी दी जाएगी और ये उनकी मृत्यु की दुखद खबर उनकी माता को सुनाई जाएगी और इसीलिए उनको अपनी एकमात्र इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही. अब जो दूसरा है कि एकमात्र अंतिम समय में एकमात्र वर क्या मांगा. तो आंसर आएगा कि अंतिम समय में बिस्मिल ने अपनी माता से वर मांगा कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूँ, ये वर मुझे दो. अब थर्ड क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी. और फोर्थ है बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए. तो पहले मैं थर्ड बताऊँगी. गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तब बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी. तो क्वेश्चन था कि क्यों बांटी. तो उसका आंसर ये है कि धर्म के रक्षार्थ के लिए उनके पुत्र मर गए थे इसलिए उन्होंने मिठाई बांटी. अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आंसर कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिस्मिल की माता ने क्या किया. तो क्या किया कि मोहल्ले की
मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उनमें से जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्सर ज्ञान बोट करती और घर के सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। और परिश्रम के बाद दोनों थोड़े ही दिनों में उन्होंने देवनागरी पुस्तक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बिस्मिल की माता जी ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रयत्नों से मेहनत की। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चार पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल की अधिक आत्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा। दूसरा है बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और थर्ड है आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों से सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। अब ये स्टूडेंट्स, पहले तो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, इसलिए चैप्टर में मैं लाइन टू लाइन नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आपको कैसे लिखना है, आत्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति में कैसे हेल्प की थी, वो मैं देख बता कि बिस्मिल की माता ने हमेशा से ही हर एक पल में बिस्मिल का साथ दिया, लेखक का साथ दिया। और जब भी धार्मिक जीवन में भी हमेशा ही उन्होंने प्रोत्साहन दिया, शिक्षा में भी उन्होंने हमेशा ही उनके ग्रहण करने में भी हमेशा उनकी मदद की, और आध्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति ने भी सदैव उनका साथ दिया। पूरा ये पैराग्राफ जो है वो आपको धार्मिक सामाजिक और आत्मिक उन्नति के जो जो सेंटेंसेस हैं वो आपको अलग करके लिखने हैं। अब जो सेकंड है, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला, यानी उनका चरित्र कैसा था। अब ये भी चैप्टर में से पर्टिकुलर आंसर बताना मुश्किल होगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक पैराग्राफ में उनकी विशेषताएं नहीं बताई है, पूरे चैप्टर में है, तो वो आपको ढूंढ के लिखनी है क्या क्या विशेषता है उनकी। तो वो एक तो कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य का साथ देते थे, फिर कभी भी किसी बात से नहीं डरते थे, और इसी वजह से उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया था, और देश की आज़ादी के लिए उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, तो उनसे भी वो डर नहीं रहे थे, खुशी खुशी अपनी देश के लिए वो जान देने के लिए तैयार थे। धर्म के तौर पर भी, धार्मिक प्रवृत्तियों में भी हमेशा आगे थे। तो मतलब कि इन शॉर्ट के पूरे चैप्टर में जितनी भी विशेषताएँ, जितने भी गुण उनके बताए हैं आपको लिखने हैं। अब थर्ड है आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया, ये भी आपको ढूंढ के लिखना है कि बिस्मिल की माता के अंदर कौन कौन से गुण थे, और उसमें से कौन से गुण को कैसे आप बहुत प्रभावित हुए हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विरोधार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है विरोध, विरोध का विरोधार्थी क्या होगा, विरोध का ऑपोजिट आप साथ देना भी लिख सकते हैं। अब है खर्च, तो इन कमाई, आरंभ तो अंत, उत्साह निरुत्साह, सदव्यवहार दुर्व्यवहार, उत्तर का आएगा सवाल। अब हमारा फिफ्थ है पर्यायवाची शब्द लिखिए, उसमें फर्स्ट है माँ, माँ का सिनोनिम क्या होगा, माता, संकट यानी मुसीबत, सत्य यानी सच्चाई, ऋण यानी कि एहसान, और परमात्मा यानी कि भगवान। अब सिक्स है वाक्य, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, अब मैं तुम्हें से नहीं मिल सकूंगा, परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे, क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूंगा। ये कौन से सेंटेंसेस है, अर्थ के साथ आपको वाक्य के प्रकार बताने हैं, किस प्रकार का ये वाक्य है। तो इन यानी कि वाक्य के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वैसे ये आपको ढूंढ के लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको आंसर के साथ बताई, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।